Hi, how are you? Hope you're doing fine. This is Krishu with another question of statistics. This is question number 6, exercise 14.1, page number 271 from NCERT. The question is, the table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. So, this is the daily expenditure, the number of households. सबसे पहले बनाते हैं इसका टेबल। सो दिस इज डेली एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ हाउसहोल्ड। नंबर ऑफ हाउसहोल्ड एफ आई से इसको डिनोट करते हैं। जो नीचे वाला आपका डेटा होता है दिस इज एफ आई। नेक्स्ट इज एक्स आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। नेक्स्ट इज यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच। लास्ट इज एफ आई यू आई। सो ये हमें कॉलम्स में इनको फिल करना है इसको। सो हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर, ये जो आपको वाला डेटा गिवन है ये आपको यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज 100 टू 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 say 300, 300 to 350. So, हमारा डेटा यहाँ पे कंटिन्यूअस है। सी ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये मैच करती है। इसकी लास्ट, इसकी फर्स्ट, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, तो ये वैल्यूज मैच करती है। दैट मीन्स हमारा डेटा जो है वो कंटिन्यूअस है। नाउ एफ आई, एफ आई की वैल्यूज क्या है? 4, 5, 12, 2, 2, 2, 2. XI, XI कैसे निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2. XI मीन्स क्लास मार्क्स, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2. सो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके आता है 250. 250 बाय 2 मीन्स 125. Same as 150 plus 200 means 350. 350 by 2 means 175. 200 plus 250 is 450 means 225. Same as next values from add करेंगे तो ये बनेगा 225. This is 275. This is 325. Now, di is equal to xi minus a. ये जो a होता है, this is called assumed mean. So इसके हमें value खुद let करनी होती है. Let assumed mean a be. A का value xi से लेते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5. पांच values हैं. That means odd number है. दो values ऊपर से छोड़ेंगे, दो नीचे से. तो ये value आएगा हमारे पास a का, which is 225. So, di is equal to xi minus a. इसमें ये वाली फोटो xi is 125, तो 125 minus a है 225, तो 125 minus 225, 125 minus 225. सो ये दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 100. 175 minus 225. सो 175 minus 225. इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी -40. 175 माइनस 225 इज माइनस, आई एम सॉरी, दिस इज 50. दिस वैल्यू इज 50. नाउ 225 माइनस 225 इज 0. 275 माइनस 225 इज 50. 325 माइनस 225 इज 100. Now, UI is equal to DI by H. ये जो H है यहाँ पर, this is class size. इसको कहते हैं class size. Class size आप इससे देखते हैं. 100 से 150 के बीच का difference 50 का. 150 से 200 के बीच का difference 50 का. Same way इन सब के अंदर 50 का difference है, तो हमारा class size मतलब H is 50. So, UI is equal to DI by H. मतलब DI by 50. So, DI का value है minus 100. That means minus 100 by 50. DI का minus 2. माइनस 50 बाय 50 माइनस 1, 0 बाय 50 मीन 0, 50 बाय 50 मीन 1,
100 by 50 means 2. Now fi ui, इसका मतलब इस ui को आपको fi से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा fi ui. So 4 into minus 2 is minus 8. 5 into minus 1 is minus 5. 12 into 0 is 0. 2 into 1 is 2. 2 into 2 is 4. यहां से निकालते हैं summation fi ui. और ये वैल्यू हमारे पास होती है summation fi. ये summation क्या है? Summation means sum. हमें sum लेना होता है वैल्यूज का. So 4 plus 5 is 9. 9 plus 12 is 21. 21 plus 4 is 25. So ये वैल्यू आ गया हमारे पास यहां से 25. Now fi ui. यहां पे नेगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव है. इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, इनको अलग सॉल्व करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे. माइनस 8 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस मींस माइनस 13. प्लस 2 प्लस 4 इज 6. सो माइनस 13 प्लस 6 इज 7. तो एफ आई वाई का समीकरण आ गया 7. अब इसको हमें फॉर्मूला में पुट करना है. सो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू ए अज्यूम मीन प्लस समिशन एफ आई यू आई अपॉन समिशन एफ आई इन टू एच. सो मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन हमारे पास है 225 प्लस एफ आई यू आई है हमारे पास 7. समिशन एफ आई है 25 इंटू एच इज 50. तो ये वैल्यूज को हम यहां से कैंसिल करेंगे. सो 25 वन सा 25 टू सा. सो 225 प्लस दिस इज दिस वैल्यू माइनस 13 प्लस दिस इज माइनस 7. आई एम सॉरी दिस इज माइनस 7. सो हियर दिस इज अ नेगेटिव साइन. दिस इज माइनस 14. 225 माइनस 14 वुड बी 211. तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास इसका मीन. So this was question number 6. ये हमने करा है step deviation method पे solve. This was from exercise 14.1 of NCERT. If you have any doubt, please do write to us. तो नीचे space given है उसमें लिखिए और हमें बताइए and do watch the next video for some more questions. Goodbye.